प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी दिसंबर माह के 14 तारीख को होने जा रहा है और 2020 का ये आखिरी ग्रहण है। इसके बाद कोई भी ग्रहण यहां पर नहीं होगा साल 2020 के अंदर। यूं तो कहा जाए तो 2020 का साल सही मायने में बहुत ही खराब रहा है, आर्थिक तौर पर और बीमारियों को लेकर के, कोरोना को लेकर के। यानी कि इस 2020 के साल में हर वर्ग परेशान रहा है, चिंतित रहा है, भयभीत रहा है, और ऐसे में ये आखिरी सूर्य ग्रहण भी यहाँ पर होने जा रहा है। ऐसे में हमारे बहुत सारे दर्शकों की चिंता है कि ये सूर्य ग्रहण किस तरह के नेगेटिव रिजल्ट या पॉजिटिव रिजल्ट हमें देगा। दर्शकों, यूं तो ग्रहण कभी भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट उनके कम या ज्यादा जरूर होते हैं। ऐसे में 2020 का ये जो आखिरी सूर्य ग्रहण है, ये दिसंबर माह में 14 दिसंबर को शाम को 7:03 से 15 दिसंबर को 12:23 तक ये रहेगा। यानी कि 12:23 का मतलब है रात्रि के 12:23, जो कि 14 तारीख की रात को 12:23 होंगे। दर्शकों, ये इस समय का जो सूर्य ग्रहण है ये आंशिक है और भारत में दिखाई नहीं देगा। यूं तो सूर्य ग्रहण कभी भी किसी के लिए शुभ नहीं होता है, लेकिन इस बार का यह सूर्य ग्रहण क्योंकि कोरोना काल में आ रहा है, 2020 का आखिरी महीना है, और जाते जाते ये फिर क्या नेगेटिव रिजल्ट देगा, इसको लेकर के बहुत सारे लोग चिंतित भी थे। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि इस ग्रहण का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम पर इसका कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है व्यक्ति के कॉन्फिडेंस में कमी जरूर आती है, और ग्रहण के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक इसका असर देखा जाता है। यानी कि हमारे कॉन्फिडेंस में कमी होती है, आत्मविश्वास इतना कमजोर होता है कि हम कोई निर्णय भी ढंग से नहीं ले पाते, मन में बेचैनी और घबराहट भी जरूर होती है, और जिनके सूर्य मारक हैं उनको तो ये परेशानी ज्यादा होती है। मन में घबराहट का होना, बेचैनी का होना, कॉन्फिडेंस का कमजोर हो जाना और कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में ना रहना, ऐसी परेशानियां यहां पर सूर्य ग्रहण के कारण से जरूर होती है। लेकिन बाकी लोगों के ऊपर भी ये अपना नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर डालता है। ऐसे में सूर्य ग्रहण को लेकर के हम 2 से 3 दिन का जो समय होता है, यानी जिस दिन सूर्य ग्रहण है उस दिन, एक दिन उससे पहले और एक दिन उसके बाद का, इन 3 दिनों में हमें अपने आत्मविश्वास के अंदर बढ़ोतरी रखनी चाहिए। यानी कि कोई भी ऐसा मोटिवेशन का काम हमें करना चाहिए, या कोई धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे हमारा मोटिवेशन लेवल मेंटेन रहे। और इस बार ये जो सूर्य ग्रहण हो रहा है ये वृश्चिक राशि में हो रहा है। ऐसे में यहां पर हम सबको ग्रहण काल के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। इससे न सिर्फ हमको उसके नेगेटिव रिजल्ट कम मिलेंगे, बल्कि हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में भी कामयाब रहेंगे। दर्शकों, एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप सबको ये जानना भी जरूरी था कि आने वाला जो सूर्य ग्रहण है वो आपको किस तरह से प्रभावित करेगा। तो ऐसे समय में बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य ग्रहण के समय पर हनुमान चालीसा का पाठ करें और बड़ी धैर्य के साथ अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखें। 2 दिन के अंदर इसका प्रभाव भी खत्म हो जाएगा और आप दोबारा से अपनी पुनः उसी स्थिति में लौट कर आ जाएंगे जैसे आप ग्रहण से पहले की स्थिति में थे। इसीलिए इस ग्रहण का असर बहुत लंबा तो नहीं होता है, और चूंकि भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए इसका असर इस बार इतना बड़ा भी नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा सा उपाय आप सबको इस ग्रहण से आपकी रक्षा करने में जरूर आपकी मदद करेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, ये मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आगे की नई जानकारी लेकर मैं आप सबके सामने आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।